देखो टर्मक्स में जो नेविगेशन कीज है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब भी तुम कोई कमांड लिखते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक कमांड लिखूँ IFCUN, अगर मैं यहाँ पर टैब प्रेस करूँ तो ये अपने आप IF कॉन्फिग लिख देगा और मैं जैसे ही एंटर करूँगा मुझे अपना कमांड मिल जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ टूल्स है यार मैं यहाँ पर एलएस करूँ, जैसे कि मुझे कीज़ में जाना है तो मैं यहाँ पर करूँगा CD K और E टाइप करूँगा। अगर मैं ये टैब प्रेस कर दूँ तो मैं एंटर कर दूँगा। ऐसे तुमने देखा हो कि नैनो कीज़ वगैरह में ये कीज़ ये जो नेविगेशन कीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब भी तुम टर्मिनल के साथ काम कर रहे हो, तो टर्मक्स में हो या फिर लिनक्स में ये जो नेविगेशन कीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं तुम्हारी। क्या हो अगर ये नेविगेशन कीज़ एकदम से कुछ इस तरीके से गायब हो जाए तो तुम क्या ही कर पाओगे? तुम ना इसे कुछ एक्सेस कर पाओगे ना ही तुम्हारा शॉर्टकट आसानी होगा, या फिर तुम नैनो वगैरह अगर यूज़ करते हो तो तुम्हें पता होगा कि उसमें कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स और कंट्रोल ओ वगैरह की कैसे कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप तुम लोग इस नेविगेशन कीज़ को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सिंपल से स्टेप्स हैं, पिछली वीडियो हमने इस बारे में बात की थी और उसका मैंने एक मेथड बताया था, लेकिन कुछ कमियां थी जो ये ओवरकम करता है। तो उसके लिए तुम्हें सिंपल से एक लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तुम वहाँ से जा सकते हो। तुम वहाँ पर विजिट करोगे तुम्हें एक लिंक मिल जाएगा नेविगेशन कीज का लिए, और जब तुम वहाँ से ओपन करोगे या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो जब तुम वहाँ से उसे ओपन करोगे तो तुम यहाँ पर आ जाओगे हाउ टू इनेबल एक्स्ट्रा कीज़ इन टर्मक्स में। जब तुम यहाँ पर आ जाओगे और मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो कीज़ टूल है ये वाली, मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसे भी यहाँ पर साइड बाय साइड ओपन कर लिया और इसे मैंने बताई कैसे तुम लोग अपनी कीज़ एक्स्ट्रा कीज़ को इनेबल कर सकते हो। उसके लिए जो भी नेसेसरी कमांड्स हैं मैंने इसे सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। तो उसमें जो जो ये पहली कमांड है हम इन सबको इस टाइम पर यूज़ करने वाले हैं, तो तुम्हें यहाँ पर आकर सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पर ला के तुम्हें इसे पेस्ट कर देना है। ऐसा मत समझना कि मुझे नहीं पता है, मैंने इस टूल को बनाया तो मुझे अच्छी तरीके से पता है इसके बारे में कि क्या क्या काम करता है। तुम्हारे डेटा टर्मक्स में एप्लीकेशन को अपडेट और अपग्रेड कर देगा, उसके साथ साथ एक पैकेज भी डाउनलोड करेगा जिसका नाम है गिट। गिट हेल्प करता है तुम्हें क्लोन करने में, यहाँ से जो हमने जो गिटहब का लिंक है हमारे पास इसके रेपो को क्लोन करने में ये तुम्हारी मदद कर सकता है। तो इसके बारे और ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा पूरा मैं तुम्हें आगे ले जाकर बताता हूँ। जैसे ही तुम्हारा डाउनलोड पूरा हो जाएगा तुम्हें यहाँ पर वेबसाइट पर आना, और जैसे कि तुम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक कमांड दिया हुआ है गिट क्लोन वाला, तो तुम्हें यहाँ पर सिंपल से इसे कॉपी कर लेना है इस पूरे कमांड को और तुम यहाँ पर कॉपी करोगे। और एक और चीज़ मैं बता दूँ तुम्हें, ये जो URL है सेम यही वाला URL है जिसे मैंने अभी इस टाइम पर ओपन किया हुआ है। अगर मैं इसे कॉपी करूँ और यहाँ पर जो कमांड लिखा है उसका सेम कमांड मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, गिट क्लोन और स्पेस करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं जैसे यहाँ पर एंटर करूँगा मेरे में ये आ चुका है। फिर मेरा रिजल्ट दिखा रही हूँ कि मेरे पास कीज़ नाम के ये टूल पहले ही पड़ा हुआ है मेरे डिवाइस में जिसे मैंने पहले ही क्लोन करके रखा हुआ है। नेक्स्ट और सेक्शन 3 जो हमारा है इनेबलिंग कीज़ है। जैसे फिर हमें यहाँ पर जो बता दूँ, सबसे पहले हमें कीज़ में जाना है डायरेक्टरी में, तो यहाँ पर मैं सीधे सिंपल से टाइप कर लूँगा CD और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा कीज़। तो आपने देखा कि जैसे ही मैं यहाँ पर नहीं लिख पा रहा हूँ अगर मेरे पास नेविगेशन कीज़ नहीं है तो, नहीं तो मुझे उस वाले का यूज़ करना पड़ेगा, कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा एक्सटर्नल डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर सिंपल कलर हरे कलर का के मिल जाएगा कीज़ नाम की एक फ़ाइल, लेकिन ये असल में आपके में जब आप पहली बार इसे डाउनलोड करोगे तो हरे कलर की बिल्कुल भी नहीं होगी, इसका कलर वाइट होगा। तो हमें इसे सबसे पहले एग्जीक्यूट परमिशन देनी होगी, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे CHMOD +X। प्लस एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूट परमिशन को ऐड करना और फिर फाइल का नाम। हमें इसके बेसिक्स को पहले समझना होगा, तो अगर आपने बेसिक नहीं समझाया तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी चैनल पर, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एलएस करेंगे तो ये आपका में ग्रीन हो जाएगा, हालांकि मेरे में पहले से ही ग्रीन हुआ पड़ा ही है। इसे एक्सक्लूड करेंगे लेकिन मुझे लिखना होगा /keys। कीज़ हमारे पास ये वाला है KEYS, यहाँ पर जो हरे कलर का हुआ पड़ा है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये मेरे में बिल्कुल भी कोई भी इफेक्ट नहीं देने वाला है, लेकिन अगर आप में ये नेविगेशन कीज़ नहीं होंगी तो बिल्कुल इफेक्ट देगा। मेरे में इफ़ेक्ट इसलिए नहीं देने वाला है क्योंकि मेरे में ये नेविगेशन कीज़ पहले से पड़ी हुई, जैसे कि मैंने आपको दिखाया मैंने इसे डिसेबल करके रखा है। मैं इसे इनेबल करूँगा और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो ये स्टार्टिंग कीज़ करके बता रहा है और कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, हालांकि मेरे में कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। लेकिन उम्मीद है ये टूल आपकी हेल्प करेगा आपको नेविगेशन कीज़ हेल्प करने में। जो जो मुझे यहाँ पर नेविगेशन कीज़ देखने को मिल रही हैं सारी नेविगेशन कीज़ आपकी हो पाएंगी, और ये कितने कम समय में, इसने 1 सेकेंड में लगभग इसने लिया और इसने पूरा कर दिया आपके में, और आप उससे नेविगेशन कीज़ को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। अगर बाई चांस अगर ये नहीं आ रहा तो आप जब न्यू सेशन ओपन करेंगे तब आपको ज़रूर नेविगेशन कीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।